सिंगल टैंक में 1100 किलोमीटर क्या पॉसिबल है, वही आज टेस्ट करने वाले हैं फोर्ड फिगो के साथ। हेलो एवरीवन, मैं हूं अत्यन रंधावा, आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पे। आज हम निकल रहे हैं अपनी फोर्ड फिगो डीजल को लेके यहां ऊना हिमाचल से खाटू श्याम के लिए, जो कि 550 किलोमीटर प्लस पड़ता है। तो आना जाना जो है 1100 किलोमीटर के आसपास या उससे भी थोड़ा ज्यादा ही हो सकता है। ट्राई करेंगे सिंगल टैंक में कितना अचीव हो पाता है, मतलब मैक्सिमम अचीव करने की कोशिश करेंगे। मेरे को लगता नहीं, आप मेरे को कमेंट करके बताओ अभी से ही अभी कि आपकी गाड़ी कितना चलती है फुल टैंक पे मैक्सिमम, और क्या आपको लगता है कितना चल पाएगी ये फोर्ड फिगो डीजल में फुल टैंक में। तो वीडियो बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है, और चलो बने रहना इस वीडियो के साथ। अभी इस गाड़ी में आप फ्यूल टैंक देखोगे तो मतलब हाफ से थोड़ा नीचे है। तो अभी सबसे पहले चलते हैं यहाँ से पेट्रोल पंप की तरफ को, क्योंकि हिमाचल में पेट्रोल वैसे भी, मतलब डीजल वैसे भी सस्ता है, तो फ्यूल जो है यहाँ से हिमाचल से डलवा के चलेंगे। आगे पंजाब में भी फ्यूल हिमाचल से थोड़ा सा महंगा है, और आगे राजस्थान चले जाएं वहाँ पे तो 10 रुपये का लगभग का फ़र्क पड़ जाता है। तो यहाँ से फ्यूल डलवाएंगे, इसीलिए ये टेस्ट भी हो रहा है कि यहाँ से अगर हिमाचल से मैं डलवा के चलूँ तो वापस हिमाचल में आके डलवाऊँगा, वो भी घर आके ही। मतलब ट्राई तो यही करेंगे घर आके ही यहाँ पे बिल्कुल अपने पास वाले फ्यूल स्टेशन से ही फ्यूल डले। फुल करना ऑटो कट तक ही। हाँ जी ठीक, ऑटो कट तक मैं इसलिए रख रहा हूँ क्योंकि इसकी जो ऑटो कट के बाद का जो होती है ना पाइप सी, वो बहुत थोड़ी सी है। तो ऑटो कट के बाद बहुत, मतलब आधा लीटर भी नहीं आता इसमें तेल, पहले मैंने डलवाया हुआ ऊपर तक। तो ऑटो कट वाला मेथड ठीक लगता है मेरे को, जैसे ह्यूंडई की ये क्रेटा वगैरह उसमें तो 2-4 लीटर पाइप में ही आ जाता है, तो इसमें ऐसा सिस्टम नहीं है, तो उस वजह से सिर्फ ऑटो कट तक है। अभी निकलने से पहले इसका ये ज़ीरो कर लेते हैं ट्रिप मीटर, ये ट्रिप हो रखा है लगभग 500 किलोमीटर, ये ज़ीरो हो गया ठीक है। अब फ्यूल इकोनॉमी भी यहाँ से ज़ीरो कर लेते हैं, ये भी ज़ीरो हो गई। चलो अब आगे का बस सिस्टम चलते हैं, अब देखते हैं कितना किलोमीटर क्या सिस्टम बनता है। अब यहाँ पे हवा भी थोड़ी सी भरवा लेते हैं क्योंकि टायर प्रेशर जो है एक्यूरेट होना चाहिए, तभी मज़ा आएगा। चलो जी, फ्यूल भी फिल हो गया और हवा भी फिल होगी, प्रेशर चेक कर लिया। टायर्स में प्रेशर ही बहुत कम था, मतलब 24-24 प्रेशर था, 22-24। तो अगर वैसे मैं लेके चलता तो माइलेज कुछ भी नहीं आता, लेकिन अब होने वाला है अल्टीमेट माइलेज टेस्ट इस गाड़ी का। मेरे को जहाँ तक लगता है ना, 900 से 1000 किलोमीटर तो बहुत ईजी है, लेकिन पूरा 1100 किलोमीटर उसका मेरे को भी डाउट है, क्योंकि मैं जो नॉर्मली निकालता हूँ यहाँ पे हिमाचल में वो है लगभग 800 किलोमीटर के आसपास फुल टैंक में ही आराम से चल जाती है। तो हाईवे के ऊपर 900 से 1000 के आसपास खींचना मेरे लिए ज़्यादा मुश्किल बात नहीं है, लेकिन 1100 किलोमीटर काफ़ी ज़्यादा चीज़ें हो जाती है, 1100 से भी ज़्यादा ही हो जाएगा। बाकी ये है कि मैं ऐसा नहीं है कि बहुत स्लो चलाऊंगा, अभी आप देख लो यहाँ पे ये क्या स्पीड है मेरी, लगभग मैं 65 पे चला हूँ। तो जहाँ पे जितनी स्पीड लिमिट होगी मैं उसी हिसाब से गाड़ी चलाऊंगा, जैसे यहाँ पे जो स्पीड लिमिट है 60-65 की है तो मैं उतनी चला रहा हूँ। आगे जैसे अभी थोड़ी सी आगे पंजाब हम एंटर हो जाएंगे वहाँ पे 80 स्पीड लिमिट आ जाएगी, फिर उसके बाद जैसे जैसे जितनी जितनी आती जाएगी 100 की स्पीड लिमिट आएगी मैक्सिमम इस जहाँ पे भी हम जिस रोड पे हम जाएंगे, तो 100 से ऊपर मैं वैसे भी नहीं चलाऊंगा। तो वही है कि जितनी स्पीड लिमिट होगी रोड की उस हिसाब से हम चलते जाएंगे। तो अभी हम चले हुए हैं और यहाँ पे आप इंस्टेंट माइलेज देखो स्पीड पे भी मेरा क्या आ रहा है, 80 और 85 की स्पीड पे भी चला हूँ तो 43, 40, 37 ये इंस्टेंट माइलेज दे रही है गाड़ी इस स्पीड पे भी। बाकी देखिए कितना किलोमीटर चल गई है, तो लगभग 50 किलोमीटर आ गए हैं, और डिस्टेंस टू एम्प्टी दिखा रहा है 936 किलोमीटर, और जो अभी तक जितना हम चले हैं उस हिसाब से जो एवरेज दिखा रहा है वो दिखा रहा है 34.4 की। तो देखते हैं आगे आगे चलते बढ़ती जाएगी वैसे तो, बाकी ये हम चले हुए हैं खाली रोड है आपके सामने। लगभग 8:15 हम खरड़ से आगे निकल आए हैं, लंडर वाली साइड जा रहे हैं, और यहाँ पे ट्रैफिक वगैरह एज यूजल जैसे होता ही है वही सिस्टम है। अभी तो चलो हम निकल आए वो एरिया से जो ट्रैफिक वाला ज़्यादा था, नहीं फिर भी है ही है ट्रैफिक, अभी थोड़ा सा खाली शुरू हुआ। और यहाँ पे माइलेज की बात करूँ तो अभी यहाँ पे 110 किलोमीटर गाड़ी चली है, और जो डिस्टेंस टू एम्प्टी अब बढ़ गया है 1016 किलोमीटर दिखा रहा है, और जो माइलेज है वो 33.5 की शो कर रहा है। देखते हैं अभी क्या बनता है आगे। चल सुबह सुबह के टाइम तो चलो ठंडा था मौसम, एसी वगैरह का यूज़ नहीं हुआ था, लेकिन अभी 8 बजे के बाद से एसी जो है चल रहा है,
और पूरा दिन गर्मी में गाड़ी चलानी है तो आगे आगे गर्मी और बढ़नी है, तो एसी की कंजप्शन भी, मतलब एसी को ज़्यादा पावर लेनी पड़ेगी, और माइलेज देखते हैं उसका क्या इफेक्ट पड़ता है इसका इस पर। बाकी अभी हम यहाँ पर ब्रेकफास्ट करेंगे और उसके बाद मैं आपको दिखाता हूँ कि कितना क्या सिस्टम हो गया हुआ है। ये देखो हम कैसे रोड पे चलें खेतों खेतों के बीच में से, क्योंकि जो ये शंभू बॉर्डर है वो बंद है। सिंगल टैंक में अब आना जाना मेरे को मुश्किल लग रहा है, क्योंकि ये शंभू बॉर्डर के पास वाला जो ट्रैफिक था ना, यहाँ पे काफी ज्यादा ट्रैफिक था। ट्रैफिक छोड़ो, रोड की पीछे बहुत बुरी हालत थी कि मैं कैमरा भी नहीं उठा सकता, इतने बड़े बड़े क्रेटर्स थे, क्रेटर्स मतलब गाड़ी मेरी डूब जा रही थी, इतने बड़े बड़े खड्डे थे। तो अभी तो माइलेज, मतलब ठीक है माइलेज तो अच्छी देगी गाड़ी, लेकिन इतना अच्छा भी मेरे को अब नहीं लग रहा कि सिंगल टैंक में मैं वापस पहुंच पाऊँ। बाकी आगे जो आना है एक्सप्रेसवे, वो अगर थोड़ी मदद कर दे और उसमें बढ़ जाए अच्छी खासी एवरेज, तो हो सकता है कि जो हम चाहते हैं वो पूरा भी हो जाए। फाइनली ये गाँव के रास्ते छोड़ के हाईवे के ऊपर मिल गए हैं अभी आके। कोई आधा घंटा ही लग गया होगा हमें गाँव में घुसे हुए, और बहुत ज़्यादा यार खराब, बहुत रास्ता खराब था। अभी है कि 80 के स्पीड मेंटेन करेंगे, 80-90 की देखते हैं क्या स्पीड लिमिट है यहाँ पे उस हिसाब से, और फिर देखते हैं। अभी तो एवरेज देखें, ये देखो 159 किलोमीटर सिर्फ गाड़ी चली है अभी, और 1166 डिस्टेंस टू एमटी, और 30 की आ गई है माइलेज। कहाँ पे पहले शुरू में 34 थी, फिर 33 हुई, अब ये गाँव के रास्ते में 30 की आ गई, मतलब इतनी डाउन होगी माइलेज, अभी बढ़ाना शुरू करेंगे। अभी अभी टोली है इस रोड पे, और रोड की हालत देख लो, बीच बीच में काम चला हुआ है, ऐसा नहीं कि रोड पूरी तरह से तैयार हो, बीच बीच में से टूटा हुआ है, काम चला हुआ है, और 95 रुपीज़ का टोल था यहाँ पे। गाड़ी जो है वो चल पड़ी है 183 किलोमीटर, और डिस्टेंस टू एमटी अभी भी आ रहा है 1120 किलोमीटर। तो ये देख के तो ऐसे लग रहा है कि शायद से जो माइलेज टेस्ट करने निकला हूँ मैं, उसमें कामयाब हो जाऊं, मतलब सिंगल टैंक में ऊना तक वापस पहुंचा दूं मैं गाड़ी को। बाकी देखते हैं आगे क्या बनता है, क्योंकि आगे तो खाटू श्याम मंदिर वगैरह जाएंगे, तो आगे रोड कैसे होंगे एक्सप्रेसवे छोड़ के वो भी देखने वाली बात है। अगर ख़राब रास्ते हुए, सिंगल हुए, अब मेरे को पता नहीं क्योंकि फर्स्ट टाइम जा रहा हूँ मैं वहाँ पर, अगर तो ख़राब वगैरह हुए तो फिर थोड़ी माइलेज को मार पड़ेगी। कि आगे हम हाईवे नंबर 152 डी पे, और यहाँ पे देखो स्पीड जो मैंने मेनटेन की हुई है, आप देख लो 80-90 के बीच में चल रहा हूँ, और जो इंस्टेंट माइलेज है वो भी आपके सामने शो हो रहा है इस टाइम पे। मतलब अभी थोड़ी अभी जैसे चढ़ाई है, ये थोड़ा कम हो गया, 24 आ गया, पहले 37 के आसपास चल रहा था, तो मतलब यही है 20 से 40 के बीच में घूमने जा रहा है, कभी ज़्यादा हो रहा है कभी कम हो रहा है। जैसे उतराई आने वाली है ये आपके सामने, बस थोड़ी सी कभी चढ़ाई कभी उतराई, तो अभी जैसे उतराई आएगी तो अभी यहाँ पर इंस्टेंट माइलेज भी आपका बढ़ता हुआ आपको दिखाई देगा, 26 हो गया। ओवरऑल माइलेज कितना देती है रोड के, मतलब ट्रिप के एंड पे आपको पता लग ही जाएगा। अब 250 किलोमीटर के लगभग हमने इस पे ऐसे ही स्पीड पे चलना है, तो इस स्पीड पे मतलब 90-100, अभी मैं थोड़ा कैमरा पकड़ा हुआ तो थोड़ी स्पीड कम रख रहा हूँ, पर फिर मैं 90-95-100 इसके बीच में चलाऊँगा। तो फिर और एसी भी चल रहा है, ऐसा नहीं है कि अभी क्योंकि गर्मी है, कोई यहाँ पर छाया नहीं, कुछ नहीं है, टेम्परेचर बाहर काफ़ी ज़्यादा हो गया हुआ, तो एसी भी हमने चालू किया हुआ है, तो एसी के साथ है ये जो भी माइलेज टेस्ट है। अब लोकल रोड पे चले हुए हैं, और माइलेज क्या बताऊँ, ये सुई आप देख लो अभी भी लगभग 100 किलोमीटर से ज़्यादा पड़ा हुआ है, तो शायद हो भी जाए। बाकी अभी पहुँचते हैं तो आपको बताते हैं कि कितने किलोमीटर चल गए और क्या माइलेज इसमें शो कर रहा है। तो कल रात को जो गाड़ी टोटल चली है वो 576 किलोमीटर चली थी, अभी 577 हो गया, क्योंकि सुबह हो गई है और ये अगला दिन है, और हम वापस अभी निकल चुके हैं, 6 बजने में अभी हैं 7-8 मिनट, और निकल चुके हैं हम अपने वापस घर की तरफ, यहाँ पे बाबा जी को फिर से नमस्कार करके। बाकी ये है कि अभी टैंक की जो सुई दिख रही है फ्यूल टैंक की, वो हाफ से नीचे दिखाई दे रही है, तो मेरे को लगता नहीं वैसे कर पाएंगे इसमें, लेकिन जहाँ पे भी जरूरत पड़ेगी वहाँ पे देखेंगे, बाकी आपको मैं अपडेट करता रहूँगा। और वापस से चढ़ गए हैं दोबारा से 152D एक्सप्रेसवे पे, और अभी बस 250-300 किलोमीटर इसे सीधे जाना बिल्कुल, और टोल वगैरह टोल बैरियर अभी आगे आएगा। फ्यूल का मैं थोड़ा बहुत बता देता हूँ, फ्यूल अभी देख लो आपके सामने ये है, मैं थोड़ी तेज़ करूँगा कि जैसे 80 पे चलाऊँ तो थोड़ा 90 के आसपास चलूँगा अभी इस रोड पर, क्योंकि 100 की स्पीड लिमिट है।
731 किलोमीटर चल चुकी है गाड़ी सिंगल टैंक में, और अभी भी 440 किलोमीटर चल सकती है। और ये बोल रही है अगर इसी तरह चलाते रहे जिस तरह अभी चला रहे हैं तो 1000 किलोमीटर तो कर ही दूंगा ऐसे लग रहा है, बाकी देखते हैं। और ये 28.9 हो गई अभी एवरेज के, तो अभी हम उसी एक्सप्रेस वे पे हैं। और किलोमीटर की बात करूँ तो लगभग 900 किलोमीटर होने लगे हैं सिंगल टैंक में, 894 किलोमीटर हो चुके हैं। और डिस्टेंस टू एम्प्टी दिखाऊं तो डिस्टेंस टू एम्प्टी अभी दिखा रहा है 233। तो मैं अभी 100 के आसपास ही चल रहा हूँ, अभी मैंने खींच दी है गाड़ी थोड़ी सी ना, पहले मैं जैसे 80-90 चल रहा था, अभी 100 के आसपास ही चल रहा हूँ कि 100 की स्पीड है यहाँ पे इस हाईवे पे। तो मैंने कहा अब 100 की स्पीड है, इसका मज़ा दोबारा तो मिलना नहीं है, फिर पता नहीं कब आना इस हाईवे पे। बाकी नॉर्मली हाईवे पे 80 की स्पीड होती है, मैंने कहा स्पीड पे भी थोड़ा पता लग जाएगा, पिछले काफ़ी देर से मैं 100 पे ही चला हुआ हूँ। बाकी जो बीच में भूल भुलैया में चली हो तो अलग बात है ना, मतलब इतने छोटे रोडों पे और जो ख़राब रोड था सिंगल रोड, और साथ में अभी जो डिस्टेंस टू एम्प्टी जैसे 232 हो गया है यहाँ पे, तो ऐसा लग रहा है कि 1000 किलोमीटर तो ईजिली सिंगल टैंक में 1000 किलोमीटर ईजिली इस गाड़ी ने कर दिया। अब कोई एक घंटा मैंने गाड़ी खींची ना अभी, तो उसके बाद आप माइलेज देखो, ये देखो ये 900 किलोमीटर हुए, मतलब 900 किलोमीटर, डिस्टेंस टू एम्प्टी सिर्फ 140 रह गया। और सुई देखो बिल्कुल नीचे टिकने को हो गई है, मतलब अब ये माइलेज भी कम हो गया। तो मतलब अगर 100 पे चलाएंगे कॉन्स्टेंटली, जैसे मैंने अभी खींच के रखी एक घंटे तक 100 पे ही, बिल्कुल 100 पे टिका के रखी सुई, तो जो है माइलेज थोड़ा डाउन हो गया, लेकिन ये है कि फिर भी 1100 किलोमीटर तो ये गाड़ी आराम से चल सकती है अभी भी। मतलब 1000 जब हो जाएगी उसके बाद मैं अब फ्यूल स्टेशन ढूंढना शुरू कर दूंगा। और ये ऑटो कट लग गया और फ्यूल आया 37.09 लीटर, तो अभी कैलकुलेट कर लेते हैं। 979.6 डिवाइडेड बाय कितना लीटर पड़ा, 37.09 26.47 की माइलेज दी है इस गाड़ी ने इस ओवरऑल ट्रिप में, खतरनाक ही माइलेज देती है ये गाड़ी, देख लो आपके सामने ही अब जो भी था। स्पीड भी मैंने ऐसा नहीं कि मैंने बहुत प्यार से चलाई और बस माइलेज निकालने के हिसाब से चलाई हो, ऐसा नहीं है। मैं तो नॉर्मली चला रहा था, जहाँ पे जितने एक नॉर्मल आदमी स्पीड लिमिट फॉलो करते हुए जितनी स्पीड पे चला सकता है मैं उतनी चलाई थी, जहाँ पे 80 थी वहाँ 80 पे चलाई, जहाँ पे 100 थी स्पीड लिमिट वहाँ पे मैक्सिमम 100 पे गया। नॉर्मली जो मैं 80 से 90 के बीच में चला रहा था, लेकिन हाँ एक घंटे तक 100 के आसपास भी चलाई, जाती बार भी लगभग एक घंटे के आसपास चलाई थी और आती बार भी। तो आप देख लो हाईवे प्लस जो वहाँ पे राजस्थान में छोटे रोड खराब रोड वो सारा माइलेज 26 प्लस का माइलेज गाड़ी ने दिया। कैसा लगा ये माइलेज टेस्ट मेरे को कमेंट करके बताना, 2 दिन लग गए इस माइलेज टेस्ट को करते हुए। बाकी और कोई किस तरीके का टेस्ट आप चाहते हो मैं गाड़ी के साथ करूं तो मेरे को बता सकते हो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर।